वेलकम बैक टू माई चैनल। और सबसे पहले हैप्पी नवमी, और आप मुझे आज देख रहे होंगे तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, मैं बना रही हूँ भोग के लिए खाना, और उसमें मैंने थोड़े से चने बनाए हैं और पूरी बनाऊंगी। और तो कुछ खाना मैंने बना लिया है क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था, मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी आज। तो कुछ खाना मैंने बना लिया है, हलवा बन गया है, आलू और चने की सब्ज़ी तैयार है, सूखे चने तैयार है, मुझे सिर्फ पूरी सेकनी है और रायता बनाना है। तो इतना काम मैंने कर लिया फटाफट उठ के। उसके बाद मेरे को लगा कि ब्लॉग शुरू करा जाए। हालांकि ये ब्लॉग आज जाना था दिन में दोपहर में, बट मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि लगातार बहुत टायर्ड थी। सो आज से सारी ब्लॉग सेंड हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल दो हम लोग साड़ी ब्लॉग्स करते रहेंगे बीच बीच में, बट आज से ऑफिशियली साड़ी ब्लॉग्स अभी जो रेगुलर आ रहे थे वो बंद हो रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो चीज़ ये है, एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पतंजलि से। मैं बता रही हूँ किस चीज़ में, पतंजलि के। फर्स्ट टाइम मैंने पतंजलि का ऑयल परचेस किया था, कल मैंने उससे पकौड़ियाँ बनाई थी, जो कुट्टू का, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा अष्टमी वाला, तो उसमें कुट्टू की मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और वो सोयाबीन ऑयल था। सिट्टी आ रही है अभी, कम ऑन, सब्ज़ी बन रही है। हाँ, तो सोयाबीन ऑयल था वो, और वो जो ऑयल था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हाँ, तो वो सोयाबीन ऑयल था, और उस ऑयल में इतनी गंदी स्मेल है, वो एक्सपायर भी नहीं है। उसकी जो अभी बना है वो अगस्त 2017 में, मैंने सब कुछ चेक करके लाती हूँ मैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। वो तेल की जो स्मेल आती है ना, गंदी वाली स्मेल, तो मैंने आज ऑयल चेंज किया है और वो पूरा 1 लीटर ऑयल किसी काम का नहीं बचा मेरे। वो इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, मतलब पतंजलि का फर्स्ट टाइम मैंने ऑयल परचेस किया, रिफाइंड ऑयल, और कब मेरे को, आप में से कोई यूज़ करता है उसने भी स्मेल आती है, या मुझे स्मेल आ रही है, या मैंने ऑयल चेंज किया है, पता नहीं। नहीं, पर स्मेल बहुत गंदी है उसमें। लाइक आप कोई बाहर के, मेरे को बहुत जल्दी क्लिक होती है कोई भी स्मेल, और उसकी स्मेल ही है, वो बदबू है, मतलब अजीब टाइप की, कि तेल जब कुछ भी ऑयली उसमें, जैसे कुछ भी ऑयली बना रहे हो। कल मैंने जितने भी पकौड़े अपनी प्लेट में डाले थे, मैंने सारे के सारे छोड़ दिए, खा ही नहीं जा रहे थे। मैंने सिर्फ प्रसाद का थोड़ा सा आलू निकाल के खाया, उनमें से अलग सी स्मेल आ रही थी। तो मुझे आज वही लगा कि मुझे अभी पूरी वो करनी है प्रसाद के लिए, और तो फिर मैंने ऑयल दूसरा मंगवाया है, और वो ऑयल, ओ माय गॉड, बहुत गंदी स्मेल थी उसमें। तो आई थिंक सब्ज़ी हो गई होगी, तो मैं सीटी बंद कर रही हूँ। वाह, तो मैं कुकर बंद करती हूँ। मैंने बहुत ही कम खाना बनाया है आज, क्योंकि मुझे खाना देना नहीं है कहीं पर, मुझे सिर्फ गाय का निकालना है, जो कन्या के नाम से निकलेगा और जो गाय को जाएगा, और कुछ भोग का, भगवान जी का निकलेगा बस। तो मैंने बहुत थोड़ा खाना बनाया है, क्योंकि पास वाले ही हम लोग के यहाँ पे जो मंदिर है ना, मतलब मंदिर नहीं, हम लोग के यहाँ जो दुर्गा जी रखी जाती है पास में ही कॉलोनी में, तो वहाँ का रात में भंडारा है, तो रात का खाना भी वहाँ से आना है। तो फिर मुझे लगा कि अभी ये जो है थोड़ा बहुत बनाओ कि अपना लंच हो जाए और वो निकल जाए, तो ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। इन शॉर्ट, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है वो तेल लाने की। मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि पतंजलि का, मेरे को पता है सोयाबीन तो मत लाइएगा, घी वी का मुझे नहीं मालूम, किसी ने घी ट्राई किया है तो बताए, मुझे नहीं पता। जैसे उसका बॉर्नवीटा वगैरह भी आता आई थी, वो भी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे को नॉर्मल बॉर्नवीटा पसंद है, पता नहीं मुझे। एलोवेरा जेल अच्छा है, मुल्तानी मिट्टी का पैक अच्छा है। जल्दी से आए, मैंने पता आज बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया खुद को, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे अभी तक। हाय, हेलो, क्या ये पानी की बोतल ला रहे हो? क्या तुमने नानी, नानी खा लो बेटा, चमगादड़ लेंगे। सो गाइस, अब मैं जल्दी जल्दी से पूरियां सेक रही हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से भोग लगाएं और खाएं।
सो गाइस, अब मैं जल्दी से पूड़िया सेक के मेरी सब्जी, हलवा, चने सब तैयार हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से पूड़िया सेक के हम अब मैंने जो चला दी है और मैंने गैस ऑन कर दी है, सबसे पहले मैं भगवान जी की पूरी और गाय की पूरी निकाल रही हूँ जो हलवा डाल के। ये है भगवान जी का भोग जो मैं भगवान जी को लगाती हूँ जाके, और अब मैं गाय की भी निकाल देती हूँ। ये हो गई है गाय की पूरी। सो ये भगवान जी का भी भोग निकल गया है। और मैंने भोग लगा भी दिया है। खाना खा के सो गए थे और मैं टीवी देख रही थी क्योंकि कुछ काम नहीं था आज मुझे ऐसा सच। और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि दुर्गा नवमी है और कल देवी जी का विसर्जन हो जाएगा, तो एक बार आखिरी बार इस साल देखने जा रहे हैं हम वापसी से, क्योंकि वो माहौल फिर एक साल बाद आएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने। वही चल रहे हैं इस वाले गेट से नहीं, हम डीजल वाले आए हैं, डीजल डलवाएँ। हाँ, और यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि आज लास्ट डे है और अच्छा लग रहा है, तो अभी तो गंदा नहीं लग रहा क्यों, रौनक चली जाएगी ना पूरी। अच्छा, इस रौनक के लिए एक साल वेट किया जाता है और आज लास्ट डे है, इसलिए हमें लगा घर में रह के वेस्ट ना करें हम। सो हम लोग आज सोच रहे हैं कल सिविल लाइंस में एक बहुत अच्छी, क्या है राजा, वो शिप है भागा वड़ा बनाया था इस बार, कुछ अलग है। कल हम नहीं जा पाए थे, हमें लगा आज जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं उसे भी। खत्म होना है क्या ना, रात है ना, कल लो बात ना, कल लो बात। और दशहरा देखने हम जाते नहीं हैं, हम आज गए थे पंजाबी दशहरा, चल झुट्टा सो रहा था पंजाबी दशहरा गए थे। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अपनी अक्खी लाइफ में अपनी अक्खी लाइफ मैं दशहरा देखने नहीं गई। बचपन का मेरे को बिल्कुल कुछ याद नहीं है, पर मेरे को ये याद है, जब तक मुझे समझ में आता है मेरी मम्मी से पूछूंगी एक बार, पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं है, तो मेरे लिए तो फिर वो ना गए के बराबर ही है। मैं आज तक दशहरा मतलब रावण जलते नहीं देखा मैंने असली में। लाइन लगी हुई है जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे जाने के लिए, और वेट करेंगे अगर वो लाइन क्लियर होती है। कम से कम 200-300 लोग होंगे लाइन में, आराम से 200-300 लोग हैं। आप सोच सकते जब खड़े होंगे वहाँ पे लाइन में तो कितना टाइम लगने वाला है, तो हम लोग को लगा नहीं, और उसमें फिर इतनी भीड़ भड़का है। हाँ यार, मेरे को सब लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, मेल भी मेल ना, एक लाइन ही थी आई थिंक सो सिविल लाइन्स में है वो, हम नहीं देख पाए, देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या ये पान खा के रखे हैं, ये डेली एक काम बचा है आजकल, पान खाओ। द मॉल स्टेशन हेडक्वार्टर। सो गाइस, क्या हो रहा है ये देखिए, हर जगह ना पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस, और वो कार वालों को एंट्री नहीं दे रही है। एक ने तो हमसे बोला जब आ रहे थे ट्रैफिक जाम बहुत, आप लोगों को फोर व्हीलर में नहीं आना चाहिए, टू व्हीलर में आना चाहिए, मैंने बोला। फिर मैं हाँ, ये कहीं ना कहीं सही भी था, टू व्हीलर में आ जाते। हाँ शक्ल दिखाओ अपनी। हाय बोल, हाय बोल।
की भीषण डर रहा था मैं। बन्नी, बन्नी, तुम्हें कैसे पता? अबे जीप तो देखो, टेढ़ी जीप, टेढ़ी जीप। अरे 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 चलो चले, आंखें तो देखो, बटन है इसकी आंखें, ये आंखें हैं बटन, कंचे हैं, कंचे। अरे अरे ओ नो, अरे किसके पास जाना है तुम्हें? शेर, शेर मेरा बच्चा। फाइनली क्या हुआ, हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि जो भीड़ थी वो ऑटोमेटिकली उतनी ही थी, बिल्कुल नहीं छटी और हम कुछ नहीं कर पाए उस भीड़ के लिए। और मुझे आदत है कि मैं अपनी आँख रगड़ूंगी अब बात करते करते, जब मैं थक जाती हूँ ना तो मेरी आदत यह है कि मैं अपनी को अपने आप को आई मसाज देती हूँ, बहुत क्रूरता वाला। नेल पेंट भी पता नहीं कब से लगी हुई, जन्मों से टाइम ही नहीं मिला। सो गाइस, ये था आज का छोटा मोटा व्लॉग, कुछ घुमा ही नहीं पाई मैं आप लोगों को आखिरी दिन में, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि कहीं गाड़ी खड़ी करना मुश्किल था, नहीं था, और कहीं कहीं कोई घुसने नहीं दे रहा था, मतलब बहुत बहुत मतलब बाढ़ आ गई थी आज भीड़ की, इतनी भीड़ थी। हाँ हाँ, भंडारा के कारण, भंडारा हो रहे थे हर जगह पे और उसके कारण भी बहुत सारी भीड़ थी। सो फाइनली इस व्लॉग को अब मैं एंड करने वाली हूँ, और क्योंकि ये व्लॉग आज आ जाएगा और आज है दशहरा, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। अपनी गंदी गंदी आदतों को जला दीजिए इस दशहरा में, जो भी आप में कुछ भी गंदी आदतें हैं या आप में कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसे दशहरा में चला दीजिए, एक अच्छे इंसान की तरह बाहर आइए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय।